आजकल हर जगह प्लास्टिक का बहुत यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक की अलग अलग वेराइटीज़ जो हैं उपलब्ध होती हैं मार्केट के अंदर, और उनकी अलग अलग जो है करेक्टरिस्टिक्स कंपोजिशंस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। प्लास्टिक जो होता है उसके अलग अलग तरह के आइटम्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे बैग्स के पाउच बैग्स हैं, पाउचेज हैं, बॉटल्स हैं, या कोई फैंसी आइटम्स हैं, फोल्डर्स हैं, बैंगल्स हैं, तो इनमें प्रिंटिंग करके इसको आर्टिस्टिक बनाया जाता है। प्लास्टिक के जो है बहुत ड्यूरेबल होता है, लाइट वेट होता है, फ्लेक्सिबल होता है और वेदर प्रूफ होता है, इसलिए इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। प्लास्टिक प्रिंटिंग के लिए बहुत सारे मेथड्स काम में लिए जाते हैं, जिसमें सबसे कॉमनली मेथड जो है वो फ्लेक्सोग्राफी का होता है, जो कि बहुत कॉमर्शली यूज़ किया जाता है। फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग प्रोसेस का ये एक प्रकार है, इसमें फ्लेक्सिबल रिलीफ प्लेट का उपयोग किया जाता है। इस मेथड के अंदर एलिवेटेड प्लास्टिक या रबर प्लेट्स व इंक आदि का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले फ्लेक्सोग्राफी जो है वो 1880 के अंदर इंग्लैंड में लिवरपूल के अंदर एक डेवलप की गई, जो कि पेटेंट प्रेस मशीन के रूप में बनाई गई थी। फ्लेक्सोग्राफी के अंदर एक रबर प्लास्टिक की रबर जो शीट होती है उसको हीट के द्वारा फ्लेक्सिबल करके उस पर डिजाइन को एम्बोज किया जाता है। फिर ये इसमें एक मशीन में जिसमें रोलर्स लगे हुए होते हैं उसमें इसको शीट को रोलर के ऊपर लगाया जाता है। इसमें एक और नीचे रोलर होता है जो कि कलर सप्लाई करता है, और उसके नीचे कलर प्लेट होती है। जितने कलर्स का प्रिंटिंग हमें करना है उतने रोलर्स को पर ये फ्लेक्सिबल जो है रबर शीट लगाई जाती है। फिर उसके बीच में से प्लास्टिक को पास किया जाता है, जो कि हीट एंड प्रेशर से उसमें जो फ्लेक्सोग्राफी की जो डिज़ाइन है उसके अंदर आ जाती है। फिर वो प्लास्टिक जो है वो आगे की तरफ मूव कर जाता है और नेक्स्ट कलर जो है वो उसमें प्रिंट हो जाता है। इस तरह से वन बाय वन मल्टी कलर्स इसके अंदर प्रिंट किए जा सकते हैं। एडवांटेज, ये मशीन बहुत फास्ट होती है एवं कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। इसमें पतली जो प्लास्टिक्स हैं उन पे भी आसानी से प्रिंट किया जा सकता है। इसमें बहुत मल्टी कलर्स की रेंज जो है वो प्रिंटिंग में प्राप्त की जा सकती हैं। इसमें वाटर बेस्ड एंड ऑयल बेस्ड दोनों तरह की इंक का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब लिमिटेशंस, ये बहुत एडवांस नहीं होती है, और जो जटिल डिज़ाइंस होते हैं या कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस या फाइन डिज़ाइंस होते हैं वो इससे प्रिंट नहीं किए जा सकते हैं। कम मात्रा में अगर हमें प्रिंटिंग कार्य करना है तो ये जो है प्रोसेस सस्ता नहीं पड़ता है, महंगा हो रहता है। और इसमें डिजाइंस को अगर जल्दी जल्दी हमें चेंज करना है तो चेंजिंग प्रोसेस बहुत लंबा होता है और कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा होती है।